हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि किस किस प्रकार से जो हमारा मैनेजमेंट किया जाता है, क्या क्या उसमें कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम क्या जानते हैं आज कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। मैं अपने शब्दों में अगर कहूँ तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है, दूसरे लोगों से काम करवाने की एक टेक्निक है, एक ऐसी युक्ति है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों से काम करवा सकते हैं। दूसरे लोगों से काम करवाने की टेक्निक को, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी, मैनेजमेंट कहते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है कि कोई भी हम जो काम कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से करवाने की एक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी, मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट के है एक मानवीय क्रियाएं हैं जिससे क्या किया जाता है कि अपने जो निर्धारित जो है ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको हम अचीव करने के लिए एक मानवीय क्रियाओं को, मानवीय क्रियाकलापों को करके जो है हमने हम हमारे जो है नियोजन किया था, जो हमने प्लानिंग की थी, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अचीव कर पाए, वो हमारे क्या कहलाता है जी, मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे मैनेजमेंट होता है उसके क्या क्या फंक्शन है, जो कि हमारा आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारा मैनेजमेंट के जो फंक्शन में सबसे फर्स्ट वन आता है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। प्लानिंग के बारे में आप सभी को पता है कि कोई भी काम हम जब कर रहे हैं उससे पहले उसके बारे में सोच विचार करना, उसके बारे में विचार विमर्श करना, वो हमारा क्या कहलाता है जी, हमारी प्लानिंग कहलाती है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, आप भी अपने काम करते हैं, बहुत सारे आपने काम किए हैं, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर मैं बिजनेस की लैंग्वेज से अगर बात करूं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए जी, हम प्लानिंग करेंगे। कोई भी काम करते हैं उससे पहले हम क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में हमें नियोजन में क्या करना है कि हम जो भी काम करेंगे उन टारगेट्स को अपने माइंड में रख के, माइंडसेट बना करके, हम किस प्रकार से उन टारगेट्स को अचीव करें, उनके बारे में जो है विचार करना, और हम इनको कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स ले सकें, ऐसा काम करना। इस प्रकार से जो भी जो है क्रियाएं की जाती हैं, जो भी हमारी रणनीतियां जो बनाई जाती हैं कोई किसी भी काम को करने से पहले, तो वो हमारी क्या कहलाती है जी, हमारी प्लानिंग कहलाती है, जो हमारा फर्स्ट जो है फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का। सेकंड अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो हमारा है जी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन बनाना। टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमने रणनीतियाँ बनाई हैं उनको हम क्या है, अमल करें जी। अमल करने का मतलब क्या है, उनको एक फॉर्म में लेके आएं और उनको यूज करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है जी, संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग की। कोई भी हम ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको अचीव करने के लिए हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी कार्य करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना कि उस कार्य को किस प्रकार से करना है। अब उस कार्य को किस प्रकार से करना है, उसको उन बातों पर क्या है जी, रिफॉर्म करना, यानी कि मान लीजिए हम ये कह सकते हैं उन पर अमल करना, वो हमारा क्या कहलाता है जी, वो हमारा कहलाता है जी, संगठन कहलाता है। थर्ड वन जो अगर हम बात करें वो हमारी होती है जी स्टाफिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में नियुक्तिकरण जो है बोल सकते हैं। हमने जो भी टारगेट जो हमें अचीव करने हैं, जो जो भी कोई हमें कार्य करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ स्टाफ को इकट्ठा करना है जो क्या करेंगे जी, उसमें काम करेंगे, हमारे बिजनेस के अंदर जो है काम करेंगे। इस प्रकार से जो है हम स्टाफिंग की भी बात करते हैं, जो हमारा नियुक्तिकरण होता है, बहुत सारे लोगों को जो हमारे कर्मचारी होते हैं या फिर एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हो गए या फिर जो मजदूर हो गए, उनको क्या है नियुक्त करना है, किसके अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग, उनमें क्या वो काम करने की योग्यता, जो हमने उनके बारे में जो काम सोचा है, क्या वो उस काम करने के योग्य हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको नियुक्त कर लेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाती है जी, वो हमारी स्टाफिंग कहलाती है। सेकंड वन अगर हम बात करें तो जी हमारा माना जाता है डायरेक्शन, माना जाता है कि हमने जिस व्यक्ति को किसी काम के लिए नियुक्त किया है तो उसको हम क्या करें, डायरेक्शन दें कि उनको क्या क्या काम करना है, निर्देशन जिसको हम बोल सकते हैं, उनको किस किस प्रकार से काम करना है, क्या क्या काम करना है, उनको उनका काम बाहर सौंपा जाता है, और जो व्यक्ति जिस काम के जो है योग्य है उसको वही काम जो है दिया जाता है। अदरवाइज जैसे ये नहीं है कि किसी व्यक्ति में काम करने की क्षमता है कि भाई वो मजदूरी कर सकता है और उसको ऑफिस में बैठा करके हम उससे कंप्यूटर चलवाएं, तो वो उससे बिल्कुल भी
नहीं होगा। जिस व्यक्ति के अंदर जैसी योग्यता है उसको क्या है उसी प्रकार का काम दिया जाना चाहिए, जिसके कि हमारे जो है डायरेक्शन के अंदर होता है कि हमने जो है नियुक्त किए हैं जो इंसान जो हुमेन को जो पीपल्स को जो हमने नियुक्त किया है उनको उसी प्रकार के डायरेक्शन दी जाए, उसी प्रकार का उन्हें काम दिया जाए। लास्ट वन हमारे माना जाता है जी कंट्रोल करना। उनको कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया कि जी प्लान किया कि हमें क्या करना है, उसके बारे में सोच विचार की, हमने उस चीज़ पर अमल भी किया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने के साथ साथ हमने क्या किया कि जितने भी हमारे जो है लोग हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे उसके लिए हमने उनको नियुक्त किया, और उसके बाद में उनको डायरेक्शन दे दी कि जो हमने पीपल्स हैं जो हमने इंडिविजुअल को इकट्ठा किया है नियुक्त किया है उनको क्या डायरेक्शन दी कि आपको ये काम करना है। अब अगर वे सही तरीके से काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना है उनको कंट्रोल करना है, किसके लिए कि वो गलत ट्रैक पर ना चले, गलत रास्ते पर ना चले, गलत काम न करें, जो हमने हमारे जो है ऑब्जेक्टिव हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है काम किया जाना चाहिए, वो उसी अकॉर्डिंग वो जो है काम करें। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे जो हमारे मैनेजमेंट है उसके क्या क्या कार्य हैं। हमारे सबसे पहले था जी प्लानिंग करना, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है स्टाफिंग, फिर है डायरेक्शन और फिर है कंट्रोल। ये जो है तीन चार जो है हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।